सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। वेलकम टू माई YouTube चैनल। In this video, I will show you Dadiyapada track with my fellow musicians. Basically, Dadiyapada Khambhat से 220 किलोमीटर दूर है और ये जगह अपने ग्रीनरी और वाटरफॉल के लिए बहुत ही फेमस है। तो चलो आपको दिखाते हैं कि हमारा ये ONGC Khambhat का पहला ट्रैक कैसा है। इस ट्रैक को ओंछा ONGC Himalayan Association ने 2 days के लिए ऑर्गेनाइज किया है और इस ट्रैक में टोटल 27 पर्सन है, जिसमें 2 गर्ल्स भी हैं। हमारा नेता कैसा हो? मौसम में ऐसी है रंग सावन सुलग सुलग जा। ओंछा का पर्पज ही है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लोगों में ट्रैक के मीडियम से एक अच्छी बॉन्डिंग बन सके। और यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, लेकिन ट्रैक में एक साथ रहने से लोगों में एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। मंदन लेक बहुत ही सुंदर जगह है। ये राजपिपला से अराउंड 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ का सबसे खास बात यह है कि यह चारों तरफ से पहाड़ से पूरा कवर है, जो कि इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा कर देता है। ट्रैक पे खाने पीने और रहने का सारा मैनेजमेंट ओंछा के थ्रू हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेटर ज्ञानेश सर और टीम लीडर आशीष सर हैं। आप दोनों ने सब कुछ बहुत ही अच्छे से मैनेज किया। थैंक यू सो मच फॉर योर मैनेजमेंट स्किल। कहते हैं कि बारिश के टाइम पे यहाँ के नज़ारे बहुत ही खास होते हैं, इसलिए बारिश के मौसम में स्पेशली वीकेंड पे यहाँ बहुत लोग आते हैं। और क्या चाहिए, सुबह सुबह झूले पे नाश्ता, मजा आ गया। नाश्ता बहुत बढ़िया, नाश्ता बढ़िया, गरम गरम नाश्ता बढ़िया, गरम गरम नाश्ता बढ़िया आ जाता है। कौशिक का टेंट कैसा लगा? टेंट में सोके अच्छा लगा, बहुत ठंड लग रही थी। ठंड लग रही थी, बहुत बढ़िया। 2 कंबल ओढ़े, 3 दो 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 में एक और ओढ़ते तो ठंड नहीं लगती। गुड मॉर्निंग, कैसा लगा टेंट में सोके? अच्छी नींद आई, नाइस एक्सपीरियंस। 2 कंबल ओढ़े, 3
दो निनई वाटरफॉल जाने के लिए सबसे पहले आपको सगाई पॉइंट पे आना पड़ेगा और फिर वहां से जंगल में 10 किलोमीटर का ट्रैक है और ये पूरा जंगल सूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है जो कि 607 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जंगल में आपको ट्रैक का पूरा फील आएगा, कुछ जगह पूरा प्लेन है और कुछ जगह आपको थोड़ा स्टीप भी मिलेगा और सबसे खास यहाँ का जंगल का पूरा व्यू है। बारिश के टाइम पे ये एरिया पूरा पानी से भर जाता है और जब नई वाटरफॉल 80 फीट की हाइट से गिरता है तो उसका व्यू काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए मानसून सीजन डड़ियापाड़ा के लिए बेस्ट टाइम है। देखिए यहाँ पे लोग बियर लेके आते हैं, बियर की बॉटल पीते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। खुशी मिले चलो साफ हो एक कदम माता की जय।